मुंबई की आर्य पुलिस ने एक शख्स को अंबर ग्रीस पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है जो मुंबई के आर्य कॉलोनी रॉयल पाम इलाके में बेचने के लिए लाया था। जब्त की गई अंबर ग्रीस की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। पकड़ा गया आरोपी वसई इलाके का रहने वाला है। वो इडली सांभर बेचता है लेकिन रातों रात लखपति बनने की लालच ने उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को ये पदार्थ बेचने के बाद 50 लाख कमीशन मिलने वाला था। आपको बता दें कि रातों रात लखपति बनने की लालच में एक इडली बेचने वाला पुलिस की हद तो चढ़ गया। पकड़ा गया आरोपी शेडू रामन श्रीनिवासन वसई में रहकर इडली सांभर बेचने का काम करता था, लेकिन उसे किसी ने बताया कि अगर वो अमर ग्रीस बेचने का काम करेगा तो वो रातों रात लखपति बन जाएगा। उसके बाद क्या था, आरोपी शेडू ने अपने एक जान पहचान वाले से अवैध अमर ग्रीस मंगा कर उसे आर्य कॉलोनी के रॉयल पाम इलाके में बेचने के इरादे से आया था। तभी आर्य कॉलोनी की एपीआई जनरल सहित उनकी टीम को आरोपी शेडू के आने का इंतजार था। 27 अप्रैल की दोपहर जैसे ही शेडू अपने साथ एक बैग में अंबर ग्रीस लेकर आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने शेडू के पास से 2 किलो फ्रेश अंबर ग्रीस बरामद किया जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई। फिलहाल आर्य पुलिस आरोपी शेडू को अंबर ग्रीस सप्लाई करने वाले की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि अंबर ग्रीस पदार्थ समुद्र में वेल मछली की उल्टी से निकलती है जिसका उपयोग महंगे परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री और महंगी दवाओं को बनाने में किया जाता है। हमारे देश में इसे बेचना और खरीदना अवैध माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लाखों की लालच में ऐसा व्यवसाय करते हैं। आरे पुलिस स्टेशन के एक डिटेक्शन ऑफिसर श्री खुलाम और उनकी टीम ने रॉयल पाम इलाके में एक शख्स को जिसका नाम है शेंदू रामन श्रीनिवासन, ये एक नायगांव ठाणे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, तो उसके पास 2 kg अंबरग्रिस जो ये एक बाय प्रोडक्ट है कि जो वेल फिश है तो वो पैदा करता है और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी होती है, तो ये मुद्देमाल के सहित उसको गिरफ्तार किया और वो जब्त किया है। अब नहीं, हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी तक यानी कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये तो परफ्यूम में, परफ्यूम इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है और ये काफ़ी कीमती होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो इसको हमने एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की भी मदद ली है और एक जॉइंट उसको पंचनामा करके उसको हमने सीज किया है। ये ब्लैक मार्केटिंग ही होता है कि जैसा कि ये एक शेड्यूल में आता है, इसको एक प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है, तो उसको इनके पास मिला और उसको सीज किया गया है। सुरेंद्र छोटिंगे के साथ मेट्रो मुंबई के लिए।